सेंट एंड्रयूज कॉलेज में शारीरिक शिक्षा विभाग द्वारा अंतर संकाय वॉलीबॉल प्रतियोगिता पुरुष एवं महिला वर्ग के आयोजन के तीसरे दिन बुधवार को विधि संकाय ने विज्ञान संकाय पुरुष वर्ग को हराकर और वाणिज्य शिक्षा संकाय ने कला संकाय को हराकर फाइनल में प्रवेश किया। वहीं महिला वर्ग में वाणिज्य शिक्षा संकाय और विज्ञान संकाय के बीच खिताबी मुकाबला होगा। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए कॉलेज के शारीरिक शिक्षा विभाग के डॉक्टर जेवियर मारिया राज ने कहा, डॉक्टर जेवियर मारिया राज, हेड डिपार्टमेंट ऑफ फिजिकल एजुकेशन। ये इंटर फैकल्टी वॉलीबॉल टूर्नामेंट है, क्योंकि हम हर साल करवाते हैं अलग अलग गेम्स में। तो अभी रिसेंटली क्रिकेट इंटर फैकल्टी टूर्नामेंट हुआ था और हम लोग 22 तारीख से लेके 1 तारीख तक इंटर फैकल्टी वॉलीबॉल टूर्नामेंट करवा रहे हैं। आज टूर्नामेंट का तीसरा दिन है। पहला मैच लॉ फैकल्टी वर्सेस साइंस फैकल्टी, जो कि बॉयज़ वर्ग में था, जिसमें लॉ फैकल्टी ने वो मैच जीता। और उसके बाद गर्ल्स में लॉ फैकल्टी और आर्ट्स फैकल्टी की टीम खेली, जिसमें आर्ट्स फैकल्टी की टीम विनर था। और अभी फ़िलहाल जो मैच चल रहा है वो कॉमर्स फैकल्टी और बीएड कंबाइंड टीम वर्सेस आर्ट्स फैकल्टी के बीच खेला जा रहा है।